अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी कीमे की कचौरी, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ 2 कप मैदा, और इसमें मैं डालूंगी ऑयल, 3 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ मैदे और तेल को अच्छे से हमें कंबाइन करना है। ये स्टेप वो है, इसी स्टेप से कचौरियाँ खस्ता खस्ता बनेंगी। अच्छे से कंबाइन करना है हमें यहाँ इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन 1 1/2 टेबल स्पून और साथ ही नमक, थोड़ा थोड़ा पानी देकर हम इसे गूंद लेंगे। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया, इसे ऑयल से मैं ग्रीस करके कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब हम कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी कचौरियों के लिए। यहाँ मैंने एक पैन लिया, इसमें ऑयल डाल दिया है, इसमें जाएगा ज़ीरा, साथ ही लहसुन अदरक जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है, साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं ग्रीन चिली, उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ मैं इसमें ऐड करूंगी मटन का कीमा। यहाँ मैं इसमें कीमे में ऐड करूंगी नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, साथ ही इसमें कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ और पिसा हुआ, और साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला। चिली फ्लेक्स भी डालेंगी इसमें, चिली फ्लेक्स रह गई थी, स्किप हो गई थी मुझसे, जो कि मैंने अब डाल दी है। इसमें 1/2 कप पानी डाल के कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर कीमे में, और प्याज जो कि मैंने अंडे की तरह काट ली। बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका सारा पानी हमें ड्राई करना है। अगर पानी ड्राई नहीं होगा इसका, तो फिर कचौरी अच्छी नहीं बनेगी, फटती रहेंगी हमारी कचौरी। तो सारा पानी हम यहाँ ड्राई कर देंगे। यहाँ ऑलमोस्ट सारा पानी ड्राई हो गया है कीमे का। इसमें हरा धनिया डाल देंगे, इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे, और इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। यहाँ आटा चेक कर लेते हैं, आटे को रेस्ट होते हुए 20 मिनट हो गए। एक बार और अच्छे से यहाँ मसल लेंगे आटे को, छोटे छोटे पेड़े बनाकर बेल लेंगे। यहाँ हम फिलिंग भर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पेड़े बना लिए हैं, देखिए। ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे मोटा ही रखना है। ये फिलिंग भी मेरी ठंडी हो गई है यहाँ, बस इसको फिल कर लेंगे, और जैसे मोमोज को हम रोल करते हैं, फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ इस पे अब बेलन नहीं लगाना है हमें, इसे ऐसे ही हाथ से दबा दबा के बस इतना ही शेप देना है। यहाँ ऑयल मेरा गरम हो गया है, और सारी फिलिंग मैंने रेडी कर ली है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का ही तेल होना चाहिए। इस स्टेज पे हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है मेरी कचौरियाँ, तो मैं यहाँ इन्हें निकाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी कचौरी रेडी है, मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी खस्ता बनी है, आप भी ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।